दोस्तों, अगर आप युवराज सिंह को सिक्सर किंग मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, युवराज सिंह शुरू से ही भारत के सबसे खास खिलाड़ी रहे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा मैच बताने जा रहे हैं जिसमें युवराज ने एक बार फिर बताया कि क्यों वो इंडियन टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए देखते हैं। दरअसल 2008 में एक रॉयल T20 सीरीज हुई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में कुल 211 रन बनाए। अब भारत को जीत के लिए 212 रन चाहिए थे 20 ओवर में। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और मात्र 23 रन पर ही 3 विकेट्स गिर गए। अब भारत की जीत की उम्मीदें खत्म हो रही थीं क्योंकि लगातार विकेट्स गिरते जा रहे थे, लेकिन फिर क्रीज पर आए युवराज सिंह और उन्होंने शुरू से ही अटैकिंग शॉट्स खेले और जीत की आशाएं भी बरकरार रखी। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब जीत के लिए 18 रन चाहिए थे मात्र 3 गेंदों में और क्रीज पर थे इंडिया के सिक्सर किंग यूवी। जीतना यहां से भी बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर युवराज ने लगातार 3 छक्के मारकर बताया कि क्यों वो भारतीय टीम के इतने खास खिलाड़ी हैं, और इसी के साथ भारत एक हारा हुआ मैच जीत गया। तो दोस्तों, इसी बात पर यूवी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यूवी की भारतीय टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और क्रिकेट से जुड़ी और भी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए। बाय बाय।